ट्रेन आ गई है दोस्तों, देखिए। मैं हूं देविंदर, आप देख रहे हैं द इंडियन रेल ग्रुप। दोस्तों एक और नई जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों शालीमार रेलवे स्टेशन से विशाखापट्टनम तक। ट्रेन नंबर होगा 22853 विशाखापट्टनम सुपरफास्ट, जो कि शालीमार से एक दिन चलती है ट्यूजडे को। इसकी टाइमिंग है यहाँ से दोस्तों खुलेगी 6:30 पर शाम को। नेक्स्ट डे हमें पहुँचाती है विशाखापट्टनम 7:50 पर। टोटल डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन 880 किलोमीटर, जिसमें कवर करने में टाइम लेती है 13 घंटा 20 मिनट। इसके शालीमार से विशाखापट्टनम के बीच में 14 होल्ट होंगे। एवरेज स्पीड इसकी रहने वाली है 66 पर आवर, मैक्सिमम स्पीड जाएगी इसकी 130। आज हमारा कोच है B2, सीट है 1। मैं आपको बाहर से कोच का व्यू दिखाता हूँ। इस पर है ये नॉर्मल कोच LHB का, लेकिन इस पर हम सफ़र की लिवरी लगाई हुई है। कोच है ये सामने, इस पर पूरी हम सफ़र की लिवरी लगाई गई है। स्टेशन है, इससे आगे कोई लाइन नहीं जाती, यहाँ पे ट्रेन आगे टर्मिनेट हो जाती है हमारी। दोस्तों ट्रेन अपने तय वक्त पे डिपार्ट हो रही है शालीमार रेलवे स्टेशन से 6:30 पे। अपने पहले होल्ट संतरागाजी जंक्शन, इसका कोड है SCR, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6 है। यहाँ पे ट्रेन 4 मिनट डिले आई है, 2 मिनट का स्टॉपेज है दोस्तों। 2 मिनट के बाद स्टॉपेज के बाद ट्रेन चल दी है, 4 मिनट डिले आई थी। संतरागाजी जंक्शन पर बात करो तो दोस्तों 189 ट्रेन का होल्ट है दिल्ली का। 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 7 ट्रेन टर्मिनेट होती है। ये स्टेशन वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अराइवल खड़गपुर जंक्शन, सेकेंड होल्ड खड़गपुर जंक्शन का कोड है KJP, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 12 है। यहाँ पे हमारी ट्रेन 3 मिनट बिफोर आई है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसको ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे, इसका डिवीजन है खड़गपुर। यहाँ पे 212 ट्रेन का दिल्ली का होल्ट है, 25 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 25 ट्रेन टर्मिनेट होती है। मैं एक स्टेशन की खासियत बात करता था आपको, जो हमारे पूर्व कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने TT के पद पे यहाँ पे 3 साल जॉब की थी, 2001 से 2003 तक। ट्रेन डिपार्ट हो रही है अपने निर्धारित समय पे, जिसका टाइम था डिपार्ट का 8:16। दाल दी गई है, ये मिक्स वेज है, चावल है और
हो चुके अपने थर्डोल्ट बालासुर, इसका कोड है BLS, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5 है। यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट डिले आई है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ से ट्रेन 245 ट्रेन का होल्ट है दिल्ली का। 5 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 5 ट्रेन टर्मिनेट होती है। दोस्तों डिपार्ट हो रही है ट्रेन अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से बालासुर से। भद्रक, इसका कोड है BHC, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 4 है। यहाँ पे हमारी ट्रेन 1 मिनट बिफोर आई है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ से 104 ट्रेन का होल्ट है। डिपार्ट हो रही है ट्रेन 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद भद्रक से। हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है अपने 5th होल्ट जाजपुरा रोड, इसका कोड है JJKR, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 4 है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ डेली 104 ट्रेन का होल्ट है, एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है, एक ट्रेन टर्मिनेट होती है। हमारी ट्रेन पहुँच के अपने 6th होल्ट कटक, इसका कोड है CTC, नंबर प्लेटफॉर्म 5 है। इसको ऑपरेट करता है ईस्ट कोट रेलवे डिवीज़न, इसका कुंडा रोड है। यहाँ पे हमारी ट्रेन 33 मिनट डिले आई है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। दोस्तों यहाँ पे 170 ट्रेन का दिल्ली का होल्ट है। 9 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 9 टर्मिनेट होती है। ये स्टेशन उड़ीसा में आता है, यहाँ से 3 लाइन चलती है। एक जाती खड़गपुर पूरी लाइन, एक जाती यहाँ से कटक डीप लाइन, एक जाती है कटक संबलपुर लाइन। इसलिए इसको देखते हैं दोस्तों, एक मिनट में स्टॉपेज के बाद एक ट्रेन डिपार्ट होती है। अराइवल भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, हमारी जर्नी का Day 2। हम पहुंच चुके हैं ट्रेन के 7th होल्ट भुवनेश्वर, जिसका कोड है WBS, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6 है। इसको ऑपरेट करता है ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसका डिवीज़न खुडा रोड है। यहाँ पे ट्रेन 30 मिनट डिले आई है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ पे दोस्तों डेली 184 ट्रेन का होल्ट है, 42 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 42 ट्रेन टर्मिनेट होती है। ये स्टेशन उड़ीसा में पड़ता है। दोस्तों हमारी ट्रेन भुवनेश्वर से डिपार्ट कर रही है अपने तैवक से 40 मिनट की देरी से। अराइवल खुर्दा रोड जंक्शन,
दोस्तों हमारी ट्रेन पहुँच के अपने 8 होल्ट खुर्दा रोड, जिसका कोड है KUR, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 है। इसका ऑपरेट करता है ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसका डिवीज़न खुर्दा रोड। यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज है, 30 मिनट डिले आई है दोस्तों। यहाँ पे 225 ट्रेन आके होल्ड करती है, 6 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 6 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पे वाटर वगैरह में पानी फिल होएगा, वॉशरूम वगैरह क्लीन हो गए, इसलिए यहाँ पे दोस्तों 10 मिनट का स्टॉपेज है। ये स्टेशन दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है। दोस्तों 40 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन डिपार्ट हो रही है खुर्दापुर रोड। दोस्तों हम पहुँच गए ट्रेन के 10th होल्ड सुमपति, इसका कोड है SPT, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 है। ये स्टेशन आंध्रा में आता है। यहाँ पे ट्रेन 34 मिनट डिले थी, ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज था, ट्रेन तुरंत ही डिपार्ट हो गई। यहाँ पे 82 ट्रेन का डेली का होल्ड है, अभी ट्रेन डिपार्ट हो रही है। अराइवल मॉर्निंग दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ट्रेन के 10th होल्ड प्लस वन, जिसका कोड है PSA, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5 है। यहाँ पे ट्रेन 30 मिनट डिले आई है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। तो कितना ब्यूटीफुल स्टेशन है ये प्लस वन, बिल्कुल हरे भरे पेड़ है, साफ सुथरा स्टेशन है। देखिए दोस्तों ट्रेन डिपार्ट हो रही है। दोस्तों यहाँ पे 90 ट्रेन का डेली का होल्ट है, 3 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 3 ट्रेन टर्मिनेट होती है। अराइवल श्रीकुलम रेलवे रोड, हमारी ट्रेन पहुँच के अपने 12th होल्ड श्रीकुलम रोड। यहाँ पे 48 मिनट डिले आई है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसका कोड है CHE, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 4 है। रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो रही है ट्रेन। अराइवल विजयनगरम, ट्रेन पहुंच गए अपने 13 होल्ट विजयनगरम, जिसका कोड है VZM, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5 है। यहाँ पे हमारी ट्रेन 42 मिनट डिले आई है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। दोस्तों ये अंडर आता है ऑपरेट ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसका डिवीज़न है वल्टार। यहाँ से दोस्तों 180 ट्रेन का होल्ट है, विजयनगरम से डिपार्ट हो रही है ट्रेन। जाते हैं, 2 इसमें सेकेंड AC के कोच लगाए जाते हैं, 1 जनरेटर।
कैप्टन कोच के अपने 14 होल हिमांचल, इसका कोड है CSCM, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 है। यहाँ पे डेली 46 ट्रेन का होल्ट है, ये आंध्र प्रदेश में आता है। ट्रेन का डिपार्ट का टाइम हो गया, 30 मिनट डिले आई थी ट्रेन, 2 मिनट का स्टॉपेज था। पटना का लोको सेड है, देखिए कितने वेब 7 खड़े हुए हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ा लोको सेड है ये विशाखापट्टनम का। ये WT4 लोकोमोटिव, दोस्तों हम आउटर पे विशाखापट्टनम के अराइवल विशाखापट्टनम। अपनी फाइनल डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। दोस्तों हमें ट्रेन 40 मिनट डिले पहुंचाया है। मैं ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बताऊं तो काफ़ी अच्छा जर्नी एक्सपीरियंस रहा है इस ट्रेन के साथ। वॉशरूम की कंडीशन काफ़ी क्लीनेस्ट है, कोच की कंडीशन काफ़ी क्लीनेस्ट है, ओवरऑल जर्नी अच्छी रहा है। पेंट्री का खाना काफ़ी अच्छा है इस ट्रेन का। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट जर्नी में। ओके बाय।